नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड यात्रा में स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड का राज्य पुष्प भ्रमकमल के इतिहास, मान्यताएं एवं औषधियों के बारे में बताने जा रहे। भ्रमकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है जो 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। इस पुष्प की भारत में लगभग 61 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 58 तो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। भ्रमकमल का वैज्ञानिक नाम सुसेरिया ओबोवेलाटा है। इसका नाम स्वीडन के वैज्ञानिक डी सुसेरिया के नाम पर रखा गया। इस फूल को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड में भ्रमकमल, हिमाचल में दुधा फूल, कश्मीर में गलगल, उत्तर देश पश्चिमी भारत में बरगुना डटोगेश। भ्रमकमल भारत के उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा कश्मीर में पाया जाता है। भारत के अलावा यह नेपाल, म्यांमार, भूटान व पाकिस्तान में पाया जाता है। उत्तराखंड में यह पिंडारी, रूपकुंडन, हेमकुंडन, फूलों की घाटी तथा केदारनाथ में पाया जाता है। इस फूल में कई औषधि गुण भी पाए जाते हैं। इसके राइजोम में एंटीसेप्टिक होता है, जिस वजह से इसका उपयोग जल्लेकट्टे में किया जाता है। गर्म कपड़ों में डालकर रखने से यह कपड़ों में कीड़े को लगने नहीं देता। इस पुष्प का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, हड्डी के दर्द आदि में भी किया जाता है। इस फूल की सुगंध इतनी तीव्र होती है कि इसको हल्का सा छू लेने से ही काफी समय तक महसूस किया जा सकता है। भ्रमकमल का अर्थ है भ्रम का कमल। भ्रमकमल की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नाम से हुई है। माना जाता है कि माता पार्वती के अनुरूप पर ब्रह्मा जी ने भ्रमकमल का निर्माण किया था। भगवान शिव ने जब गणेश जी के कटे हुए मस्तिष्क पर हाथी का सिर रखा, तब उन्होंने भ्रमकमल से उनके मुंह में पानी छिड़का था। भ्रमकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, इसलिए इसे नंदा अष्टमी में तोड़ा जाता है। भ्रमकमल साल में एक बार खिलता है, जो कि सिर्फ रात्रि के समय खिलता है और सुबह होते ही मुरझा जाता है। इसी गुण के कारण इसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।